हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपमाइंड परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग आज टेक्नोलॉजी एंड साइंस से भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर है हमारा डेली का, तो इस करंट अफेयर में हम लोग स्टैटिक जीके का भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और क्लास यदि आपको पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक करना ना भूले। तो देखिए, आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन तो ये कहाँ पर चलेगी। तो ये अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन है ये चलेगी कोलकाता के अंदर। और कोलकाता में आपको पता है कौन सी नदी है, हुगली नदी है। तो देखिए, तो इसका हाल ही के अंदर सफल परीक्षण हुआ है, कहाँ पर, कोलकाता में। और ये कोलकाता में कौन सी नदी के किनारे है, तो ये चलेगी हुगली नदी में। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ पर आरंभ हुई। तो भारत की जो पहली मेट्रो सेवा है वो सबसे पहले कोलकाता में ही स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, भारत की पहली मेट्रो सेवा ये कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी कोलकाता के अंदर। और ये कब प्रारंभ हुई, और ये प्रारंभ हुई सन 1984 में। सन 1984 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हुगली, यानी बी ऑप्शन। अब देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, जो हुगली नदी है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। दूसरी बात देखिए आप लोग कि ये जो वाटर मेट्रो है ये कहां पर चलेगी, कोलकाता में। और ये किसको कनेक्ट करने का काम करेगी, तो ये कनेक्ट करने का काम करेगी हावड़ा टू कोलकाता। हावड़ा से जो कोलकाता है इसको कनेक्ट करने का काम कौन करेगी, ये करेगी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, ये है हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन कि दुनिया भर में कला के महत्व को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे, तो ये कब मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 अप्रैल के दिन। 15 अप्रैल को। अब देखिए, इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसको मनाने के पीछे उद्देश्य है कि भारत जो है ये कला के क्षेत्र में इसने कितनी उन्नति की है, और कला के प्रदर्शन को बताने के उद्देश्य से पूरे विश्व के अंदर कौन सा डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे की, तो ये जो वर्ल्ड आर्ट डे है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2012 से। तो सन 2012 से हम लोग कंटिन्यू मना रहे हैं कौन सा, विश्व कला दिवस। अब ये जो विश्व कला दिवस है इसको यूनेस्को के, इसको जो है यूनेस्को के जो 40वां सत्र था
तो यूनेस्को का जो 40वां सत्र है ये कब आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था सन 2019 में। ये आयोजित किया गया कब? सन 2000 ईस्वी में। तो सन 2019 से ये जो हार्ट डे मनाया जाता है ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये हो जाएगा 15 अप्रैल। अब देखिए कि अप्रैल के जितने भी डेज हैं उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। और दूसरा क्या मनाया जाता है 1 अप्रैल को ही? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उत्कल दिवस। आगे देखते हैं, जैसे आप लोगों से पूछा जाएगी 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। जैसे हम लोग बात करते हैं 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल के दिन आपको पता है कि जो WHO है इसे WHO की स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये कब से मना रहे हैं? तो ये 1948 में स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उसी डे से मना रहे हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथिक के जनक कौन थे? हैनीमैन। तो हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा डे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। आगे देखते हैं हम लोग 14 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती। यानी इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। जैसे हम लोग बात करते हैं 13 अप्रैल की, तो 13 अप्रैल के दिन कौन सी घटना हुई थी? तो 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये घटित हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को। तो उसकी याद में 13 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे आपसे पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे पूछा जाए आप लोगों से कि 22 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी दिवस, यानी जैव विविधता दिवस। तो ये जितने भी डेज थे हमारे अप्रैल मंथ के ये हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए, वापस हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए ये जो आयोजन किया गया है नेक्स्ट जो है अप्रैल के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, किसका? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। और ये भारत का पहला सम्मेलन है। तो भारत का पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन
हो ये कब आयोजित किया जाएगा, हो ये आयोजित किया जाएगा बीस और 21 अप्रैल को 2023 में। तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। आयोजन स्थल जो है वो कहां पर है, तो ये आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। तो इसके अंदर जो है कौन कौन भाग लेगा, तो ये जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है इसके अंदर जो दुनिया भर के जो बौद्ध मठ है और वहाँ के जो आयोजन करता है वो भी इसके अंदर भाग लेंगे। किसमें, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, नई दिल्ली भारत। अब देखिए ये जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है इसके अंदर और कौन कौन भाग लेगा, तो इसके अंदर जो है भाग लेने वाले 30 देशों के जो 61 कार्यकर्ता है वो इसके अंदर भाग लेंगे। किसके अंदर, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अब देखिए तो इसमें जो आप लोगों को पता है इसमें ब्राजील भी भाग लेगा और इसके अंदर मेक्सिको जो है ये भी भाग लेने वाला है। तो ये आयोजन जो है वो नई दिल्ली में होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर छपेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता, तो देखिए आप लोग कि ये जो प्रतियोगिता है ये कहां पर आयोजित हुई है, तो इसका आयोजन हुआ है इम्फाल में, और इम्फाल पड़ता है कहां पर, मणिपुर में। तो इसका आयोजन हाल ही के अंदर कहां पर हुआ है, इम्फाल मणिपुर में। और ये कौन से नंबर का क्रम है, तो इसका जो क्रम है ये है 59वें, यानी 59वें नंबर का क्रम है किसका, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कि फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता, तो इसका हाल ही के अंदर आयोजन हुआ है इम्फाल मणिपुर में, और ये है पूर्वोत्तर भारत का, मतलब ये फर्स्ट चांस है कि ये पहली बार पूर्वोत्तर भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजित, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो खिताब है वो किनको मिला है, तो इसका जो खिताब है वो जीता है कोटा राजस्थान की, कोटा राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है, इन नंदिनी गुप्ता को यह किताब मिला है। तो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता किसने जीती है, तो यह जीती है नंदिनी गुप्ता ने। अब देखिए जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम रनर अप कौन रही, तो प्रथम जो रनर अप है वो रही श्रेया पुंजा। तो ये जो श्रेया पुंजा है ये कहां की है, तो ये है दिल्ली की निवासी। तो ये फर्स्ट रनर अप रही इस प्रतियोगिता के अंदर। तो जैसे हम लोग बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता, तो ये तो थी 2023 की। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि सन 2022 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था सिन्नी सेट्टी ने, सिन्नी
सेटिन है, और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी कर्नाटक की। अब देखिए आप लोग, जो भी मतलब जो भी पर्सन जो है, या जो भी गर्ल्स है, वो फेमिना मिस इंडिया जीतती है, तो इनको भारत का प्रतिनिधित्व करने को मिलता है। तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कहाँ पर? ये करेगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के अंदर, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। तो मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी, हाँ, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगी वो कौन करेगी? तो वो करेगी नंदनी गुप्ता। तो ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो इसका 71वां संस्करण आयोजित होगा, और ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये आयोजित होगा कहां पर? यूएई के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नंदनी गुप्ता। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया की, तो जैसे फेमिना ये जो है, ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, तो इससे पहले कितनी जीत चुकी है? तो 3 कैंडिडेट जीत चुके हैं, और उनका नाम है सुष्मिता सेन है, लारा दत्ता भी जीत चुकी है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को पता है हाल ही के अंदर किसने जीता था? तो इसका आंसर आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर देना, जो अभी हाल ही के अंदर जीती है, ठीक है ना। तो उसने जीती है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही के अंदर जो है कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं सीबीजी की, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मेलन, है ना। तो कंप्रेस्ड जो बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो इसे नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं बायोगैस की, तो इसका आयोजन जो है वो क्यों किया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? एक तो है प्रदूषण को कम करना। दूसरा क्या उद्देश्य है कि जो गैस है, इस गैस की कीमतों में कमी करना। एक तो है कि जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण को कम करना। दूसरा है कि गैस की जो कीमतें हैं, इन कीमतों में कमी करना। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं बायोगैस की, तो इसके अंदर जो है मुख्य घटक कौन सा होगा? तो इसके अंदर जो मुख्य घटक होगा, मुख्य घटक तो वो होगा मीथेन, और मीथेन को हम लोग बोलते हैं CH4। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस बनती कहां पर है? तो ये बनती है दलदली, जो दलदली भूमि होती है, या फिर जो पहाड़ों होते हैं, पहाड़, इन पहाड़ों पर मिलती है कौन सी गैस? तो पहाड़ों के अंदर जो खदान होती है, तो उन खदानों के अंदर विस्फोट होता है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन गैस। और ये जो मीथेन गैस है, इसका दूसरा नाम है मार्स गैस। तो इसी मार्स गैस को हम लोग बोलते हैं मीथेन गैस। अब देखिए, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि जो CNG है, और एक होता है LPG, है ना, एक तो होता है CNG और एक होता है LPG। तो इस CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो
तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक होती है एलपीजी, तो इसको बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी की यदि आप लोग बात करते हो तो इस सीएनजी में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो इसके अंदर होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। और यदि आप लोग बात करते हो एलपीजी की तो इसमें होता है मीथेन, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अनावरण कहां पर किया गया, तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनकी जो है हाल ही के अंदर आपको पता है कि जो भीमराव अंबेडकर है इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, तो इनकी हाल ही के अंदर 132वें क्रम की जयंती मनाई गई। और ये कब मनाई गई, तो ये मनाई गई 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को कौन सी जयंती मनाई, 132वीं जयंती। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये देखिए आप लोग इन्हें बोला जाता है भारतीय संविधान का जनक। तो भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। आगे देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश के अंदर, महू एमपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म, तो यह हुआ था सन 1891 ईस्वी के अंदर। तो इनको आपको पता है कि जो भारत रत्न दिया गया, तो ये भारत रत्न कब दिया गया, तो देखिए आप लोग इनको जो भारत रत्न प्रदान किया गया था ये मरणोपरांत प्रदान किया गया, और सन 1990 में प्रदान किया गया। तो सन 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इनको भारत रत्न से नवाजा गया मरणोपरांत, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये 125 फीट ऊंची जो भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है, तो इस प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो इनकी हाल ही के अंदर कितने फीट ऊंची, तो यह है 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में जो है किया गया, कहां पर किया गया, तेलंगाना में। अब देखिए आप लोग यदि आप लोग बात करते हो तेलंगाना में, तो इस तेलंगाना में किस नदी के किनारे इसको आयोजन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा है तो इसका अनावरण कहां पर किया गया, तो ये किया गया तेलंगाना के अंदर। और किस नदी के किनारे किया गया, तो ये किया गया हुसैन सागर झील, हुसैन सागर जो झील है यहां पर किया गया इसका अनावरण। और ये का एक कांस्य युगीन, ये एक कांस्य युगीन प्रतिमा है। आगे देखिए आप लोग ये कौन सी युगीन प्रतियोगिता है, सॉरी कौन सी युगीन प्रतिमा है, तो ये बनी हुई है कांसे की, ठीक है। अब देखिए आप लोग कि हाल ही में आप लोगों को पता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है इनकी एक और प्रतिमा का अनावरण हुआ था,
उसका नाम है स्टेचू ऑफ नॉलेज। तो स्टेचू ऑफ जो नॉलेज है, हाँ, इसका अनावरण कहां पर किया गया था? तो इसका भी अनावरण किया गया था लातूर महाराष्ट्र में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि स्टेचू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है लातूर महाराष्ट्र के अंदर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं हुसैन सागर झील, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना के अंदर। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव। तो के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा हाल के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो तेलंगाना है, इस तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो इस तेलंगाना का जो गठन है वो हुआ था 2 जून 2014 में। और इसको किससे अलग किया गया था? तो इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा क्या है कि हाल ही में जारी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई है। तो ये रिपोर्ट कौन सी है? तो ये है एक एडीआर रिपोर्ट। तो इस एडीआर को हम लोग बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन। तो ये एक रिपोर्ट आई है हाल ही के अंदर, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे पहले, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो ये जो जगन मोहन रेड्डी है, ये सबसे धनी मुख्यमंत्री जो है बने हैं। तो इनकी संपत्ति कितनी है? तो इनकी संपत्ति है 510 करोड़ रुपए है। अब देखिए आप लोग, इसी रिपोर्ट के अंदर जो है, ये जो सबसे धनी की जो रिपोर्ट है, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ये कौन है। तो ये है आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सीएम है वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे गरीब कौन है इसके अंदर, है ना, तो सबसे गरीब जो है वो है पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। देखिए आप लोग, ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? तो ये है पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी। और इनकी संपत्ति इन्होंने कितनी बताई है? तो इन्होंने संपत्ति जो बताई है वो कितनी बताई है? 15 लाख रुपए। अब देखिए आप लोग, इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो है रिपोर्ट, ये क्या सही है या गलत है? तो ये तो किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन ने, ठीक है ना। तो इसका तो जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ये हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी। तो ये सबसे धनी मुख्यमंत्री है, और भारत के अंदर जो है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल जो करोड़पतियों की संख्या है सीएम के अंदर, तो वो है टोटल 29 करोड़पति हैं हमारे जितने भी सीएम है हाल ही के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि अप्रैल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने
कहां पर रेलवे परियोजनाओं और मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? तो देखिए, एक तो है रेलवे की परियोजना, रेलवे परियोजना एवं जो मेथेनॉल संयंत्र है, इस मेथेनॉल संयंत्र की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कहां से की है? तो इसकी शुरुआत की है असम से। और यह हाल ही के अंदर शुरू की है किन्होंने? भारत के जो प्रधानमंत्री है, तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा सी ऑप्शन, असम। अब देखिए आप लोग, तो इसको शुरुआत कहां से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है असम के गुवाहाटी से। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं असम की, तो असम जो है इसके अंदर हाल ही के अंदर राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया जी। तो यहाँ के जो राज्यपाल बने हैं हाल ही के अंदर, तो ये जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो किनको किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया जी को। और असम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में किस राज्य के मेड़ती समुदाय ने मेड़तेई चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं मणिपुर की, है ना, तो मणिपुर के अंदर ये जो मणिपुर है, इस मणिपुर के अंदर एक समुदाय है, तो उस समुदाय का नाम क्या है? मेड़ती समुदाय। तो ये जो मेड़ती समुदाय है ये पूरे मणिपुर के अंदर जो है मेड़तेई चिरोबा नाम का, ये जो मेड़तेई चिरोबा है, तो मेड़तेई चिरोबा नाम का चंद्र नव वर्ष मनाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल के दिन। तो 14 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। तो ये कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेड़तेई चिरोबा। तो मेड़तेई चिरोबा जो है इसको हम लोग कोई कोई के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कोई कोई। तो कोई कोई के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं हम लोग मेड़तेई चिरोबा को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा? ये जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो देखिए, टाइम मैगजीन के द्वारा हाल ही के अंदर एक सूची जारी हुई है, तो इस सूची में 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में, इसमें देखिए किस किस को शामिल किया गया है। तो इसके अंदर देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं टाइम मैगजीन की, तो ये जो टाइम मैगजीन है ये जो है इसने हाल ही के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। और इस सूची के अंदर जो इंडिया है, इस भारत के दो व्यक्ति को चुना गया है, तो एक तो है शाहरुख खान और दूसरे हैं डायरेक्टर साहब
राजा मौली है ना, तो एसएस जो राजा मौली है, तो एसएस जो राजा मौली है इनको भी चुना गया है अंडर 100 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए वाला भी राइट है और बी वाला भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो इनको चुना गया है हाल ही के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में। तो इसके अलावा किन किन को चुना गया है, तो इसके अलावा है जो भारत के राइटर है लेखक है सलमान रुश्दी, जो सलमान रुश्दी है इनको भी चुना गया है, और एक टीवी एंकर है भारत की है ना, तो भारत की एक टीवी एंकर है उनका नाम है पद्मा लक्ष्मी, तो इन पद्मा लक्ष्मी को भी चुना गया है किसके अंदर, तो ये चुना गया है टाइम मेक जिनके द्वारा, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए वर्ड की यदि आप लोग बात करते हो तो वर्ड के अंदर जो है वो चुना गया है, एक तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, तो ये जो बाइडेन जो है इनको भी चुना गया है किसके अंदर, टाइम 100 की मैगजीन के द्वारा, टाइम्स मैगजीन जो है इसके द्वारा। और एक बड़े बिजनेसमैन है तो उनका नाम क्या है, तो इसके अंदर जो है वो चुना गया है सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है हमारे अमेरिका के उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एलन मस्क है ना, तो एलन मस्क को भी इसके अंदर चुना गया है। और जो ब्रिटेन के जो है राजा, तो ब्रिटेन के जो राजा हैं तो उनका नाम क्या है, चार्ल्स द्वितीय, तो चार्ल्स द्वितीय को भी इस टाइम मैगजीन के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन है ना। अब देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का किताब हो, ये जो पर्सन ऑफ द ईयर का किताब है ये हाल ही के अंदर किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, तो जेलेंस्की को मिला है कौन सा, तो ये मिला है पर्सन ऑफ द ईयर का किताब, किसने दिया है, तो ये दिया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, तो इनको दिया गया है टाइम ऑफ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का किताब। और एक और दिया गया है द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, तो ये भी एक संस्था है, तो इस संस्था को भी क्या दिया गया है, तो इस संस्था को भी दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर का किताब, किसके द्वारा, टाइम मैगजीन्स के द्वारा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।